प्रदान करी और सभी RWA और उपस्थित जन समुदाय सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और भविष्य में जो RWA आपने बनाई है वो अच्छे तरीके से चले, क्योंकि जिनका हाथ आपके साथ है श्री गजेंद्र सिंह जी का उनका कोई जवाब नहीं है। आज हम प्रमुख हैं तो गजेंद्र जी का बहुत बड़ा हाथ उस प्रमुखी में है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और विधायक जी, मेरे ऊपर तो इनकी दो कृपा रही हैं। मेरा जैसे आदमी का ब्याह करने वाला कौन था, मैं तो इन खारियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरा ब्याह कर दिया और मुझे इस लेवल पे पहुँचा दिया। तो मेरे लिए तो इनकी बहुत कृपा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि खारी जितने भी हैं इन सब के खेड़े बसें और आगे बढ़े। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय विधायक प्रशांत चौधरी से अनुरोध करूंगा कि आप भी आए और अपने आशीर्वचन से हमें शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारी अध्यक्षता कर रही बाबूजी दुर्विचंद जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रमुख साहब भाई गजेंद्र जी, हमारे मनोज भाई, हमारे पार्षद जी, हमारे शशि पार्षद जी, हमारे मास्टर जी मनोज जी, नामा जी, और यहाँ पर समस्त RWA की जो कमेटी बनी है, हमारे सुरेश सिंह और बाकी नाम यहाँ लिखे नहीं है, लिखने चाहिए थे सबके नाम। नारे तो समस्त कमेटी, हाँ चलो, ये विवेक चौधरी सुरेश सिंह खारी जी अध्यक्ष, विवेक चौधरी उपाध्यक्ष, डॉक्टर भरत सिंह सचिव, अंकुर खारी संयुक्त सचिव, सोनपाल कोषाध्यक्ष, और ये सदस्यगण भी हैं धर्मेंद्र, श्रीमती पुष्पा खारी, भूमेंद्र सिंह, सौरभ, अविनाश कुमार, प्रेमित अरुण। भाई सुनो भैया, दो मिनट बाद हम खाना खाएंगे, दो मिनट के बाद। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि RWA का गठन जोन समाना में हुआ। RWA आम तौर पे शहरों में बनती है, मोहल्लों में बनती है, लेकिन मैंने तो अपनी याद में, अपनी जानकारी में जोन समाना की जो RWA है पहली बार देखी है, और भी होंगी लेकिन मेरी जानकारी में। इस जोन समाना में जो बनी है इसमें हमारे गजेंद्र भाई का विशेष योगदान है, और ये जो टीम बनी है इसका बनना इसलिए ज़रूरी था कि जब ग्राम प्रधान थे, ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत में बाकायदा एक सिस्टम है कि गांव का प्रधान भी बनता है, उसके सदस्य भी बनते हैं, सरकार की तरफ से एक सचिव रहता है। लेकिन अब क्या है, अब तो अथॉरिटी के अंडर में कोई कहने सुनने वाला है नहीं। हालांकि आपके तो गजेंद्र सिंह बैठे, आपने इनसे कह दी, इन्होंने ऊपर की कुछ काम हो गया, लेकिन अगर किसी को गांव वाले जिंदगी से काम है, इधर को साइड बोलो, कोई अपनी समस्या अपने गांव के मुखिया से रखनी है, आम आदमी थाने नहीं जा पाता, आम आदमी तहसील नहीं जा पाता, गरीब गुरबा कम पढ़े लिखे लोग, तो उनके लिए एक कमेटी होना बहुत जरूरी। वो कमेटी ग्राम पंचायत में तो ग्राम प्रधान के अंडर में होती है, शहरों में RWA का जो अध्यक्ष है उसके अंडर में होती है, लेकिन ये जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के गांव हैं इनमें ना तो RWA है ना ग्राम का प्रधान है, तो उसके लिए वो लोग बड़े परेशान हैं। ये समिति जो बनी है, ये समिति मैं समझता हूँ कि गांव के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर, ग्रेटर नोएडा से कोई काम है, नोएडा से कोई काम है, कोई मुआवजे की समस्या है, गांव की कोई समस्या है, किसी का व्यक्तिगत काम है, तो ये समिति गांव के विकास के लिए काम करेगी। गांव में कोई विवाद है तो विवाद को बढ़ाने के बजाय उसको निपटाने का काम करेगी।
चाहे हाथ जोड़ने पड़े। मैं प्रमुख साहब आपकी जानकारी को बता दूं कि मेरे ख्याल से ऐसा नेता कोई एक आदि होगा जिसमें मेरी नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है। मैं 10-302 के फैसले करा चुका हूँ, 302 मर्डर के, इसमें ज्यादातर बिरादरी के हाथ जोड़ के समझा के बुझा के कहीं अठन्नी चवन्नी लेनी देनी आपस में जैसे भी करा दंड बंद फिलहाल एफिडेविट लगवा दिए फैसले करा दिए। तो ये काम जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। अब आपने एक RWA बनाई है, आप इस गांव के जनप्रतिनिधि बन गए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप गांव में लोगों को बजाय धमकाने के आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा। अभी सवेरी सवेरी एक हमारे वो आगे पार्षद जी हमारे मोहल्ले के मिठाई उठाई लेके जीत के, मन भाई आइए पार्षद जी आइए जी, भाई साहब काहे का पार्षद हूँ मैं तो, नाली खड़न जाके देख रहे का चौकीदार बना दिया तुमने, जाटा बड़ा वैसा ठीक ठाक आदमी करा दी। पहले मैं चौधरी आ तो सबसे यूं करके चले करे, अब जब से तुमने बनाया जब से यूं करके चलूँ। तो ये तो निमने का काम है, ये यूं ना समझे कि हम ये बन गए हैं तो अब हम गाँव में थोड़े से यूं करके चलेंगे। गाँव को जोड़ के चलना, गांव को ऐसे बना के रखना है कि गांव में पार्टी बाजी खत्म हो जाए। छोटी मोटी होती हर गांव में होती है, हाथ जोड़ने पड़े हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ने पड़े पैर पकड़ लो। बात विकास की होनी चाहिए, एकजुटता की होनी चाहिए। गांव में कोई लड़ाई झगड़े हो जाए छोटे मोटे तो थाने तहसील ना जाके यहीं अपना धमका के गाली गुप्तार करके जुर्माना करके यहीं खत्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा, ये काम अगर आप लोग करते तो आपका RWA सफल है, नहीं तो RWA बना के आप अपने घर और गांव अपने घर, फिर RWA का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, गलत है? नहीं, बहुत बढ़िया। तो मेरा यही है कि भाई मैं तो आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बनाई है, और मुझे उम्मीद भी है जिसने जोश खरोश से आपने RWA बनाई है, आप जो मैंने काम बताया इसको बखूबी करेंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि को चुनाव नहीं हुआ, जब चुनाव होता तो उसमें आधा पक्ष एक तरफ आधा एक तरफ, जिसको ज्यादा पक्ष मिल गया ज्यादा वोट मिल गई वो जीत गया। 100 में से एक को 55 मिल गई, एक को 45 मिल गई, 55 वाला बन गया, लेकिन 45 तो जिंदगी भर खिलाफ ही रहेंगे। और ये जो निर्विरोध का मैटर है इसमें तो सारे गांव नहीं थी, जब चुनाव ही नहीं हुआ तो सारा गांव ही एकजुट हो गया। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई मोहल्लेबाजी नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं, तुम्हारे लिए सारा गांव एक समान है, तुम में आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सारे भाई एक साथ रहने चाहिए। आज के बाद में टाइम रख लो कि हफ्ते में एक दिन, चौथे दिन पांचवें दिन हफ्ते में बुधवार को शुक्रवार को बैठ करके गाँव की समस्याओं के बारे में आप लोग मंथन करेंगे। ये नहीं है कि बन गए तो एक दिल्ली यार एक कलकत्ता है, अब जी मेरे तो नौकरी यार मैं क्या करूं, मैं तो वैसे ही बनका। अगर बने हो तो हफ्ते में एक दिन इस बात के लिए देना पड़ेगा, गांव के लोगों से मिलकर समस्या सुननी पड़ेगी। ठीक है जी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये काम बखूबी करेंगे। इसके साथ ही मैं गाँव वालों को भी बधाई देता हूँ, एक बढ़िया RWA बनी है, क्योंकि RWA में मुझे दिख रहा है कि टेंट भी लगा और भंडारा भी चल रहा और बड़ी माला पाला भी घनी आई है। अब ये पैसों की हमें खर्चा तो है, सही बात, कोई ऐसी बुक्कड़ सा बन जाता तो भैया अपने काय को टेंट लगा। तो RWA ठीक ठाक बनी है, मतलब ये कहने का।